कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर साफ होने के बाद अब कांग्रेस लोकसभा 2024 की तैयारियों के मिशन में जुटी है और इसी के तहत कांग्रेस ने 17 जनवरी को जयपुर के पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के तहत राजस्थान के पार्टी मामलों के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, समिति के कई सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और फीडबैक लेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए चुनौती है तो वहीं बीजेपी के लिए भी कम चुनौती नहीं है। जहां एक तरफ पिछले दो लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था तो राजस्थान में कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, तो वहीं विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अभी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब एक मजबूत विपक्ष 70 सीटों वाली कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और ऐसे में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में दलित और जाट कार्ड खेलकर जातिगत समीकरणों को भी साधने से नहीं चूकती है, जिसका फायदा कुछ जानकार बताते हैं कि लोकसभा में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी लगातार लोकसभा 2024 के मिशन में जुटी है। सवाल ये भी कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किन चेहरों पर दाव खेलेगी, कौन से प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी, क्या रणनीति होगी, ये सवाल लगातार चल रहे हैं। तो वहीं चर्चाओं में कई नाम भी सुनने में आ रहे हैं, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर से, वैभव गहलोत टोक सवाई माधोपुर से लड़ सकते हैं, या फिर जालौर सिरोही से, सीपी जोशी जयपुर ग्रामीण से, या फिर भीलवाड़ा से मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं अजमेर से सचिन पायलट को मैदान में उतारा जा सकता है। दौसा से मुरारी लाल मीणा की पत्नी मैदान में देखने को मिल सकती है। तो वहीं झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला या फिर उनकी पत्नी, सीकर से गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे को लड़वाना चाहते हैं। चूरू के रफीक मंडेलिया मैदान में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये सभी नाम अभी तक की चर्चाओं के मुताबिक है, लेकिन अब देखना ये है कि हाईकमान किन नामों पर मुहर लगाता है और कब लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।